हेलो। तो गदर 2 के बाद अब हो जाओ एक और जबरदस्त सीक्वल के लिए सभी के सभी तैयार। तुम मिले 2? नहीं, थोड़ा और पीछे चले जाओ। दिल से 2? थोड़ा और पीछे चले जाओ। मैं जानती हूँ आप लोग गेस नहीं कर पा रहे हो, मैं बात कर रही हूँ नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, यानी कि खलनायक फिल्म के सीक्वल की। उस टाइम की संजय दत्त की जबरदस्त फिल्म का सीक्वल आएगा ये हम सबने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से खबरों में जरूर था कि खलनायक 2 बन सकती है और सभी को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स होंगे और कुछ सच नहीं होने वाला है। सो ऑल संजय दत्त फैंस हो जाओ तैयार, क्योंकि ये खबर कंफर्म हो चुकी है। गदर 2 के धमाके ने बॉलीवुड को जगा कर रख दिया और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। जब 22 साल पुरानी फिल्म का सीक्वल लोगों को थिएटर्स तक खींच सकता है तो उससे पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में क्या दिक्कत है। तो खबर आ गई है कि खलनायक 2 पर इस टाइम जोरों शोरों से काम चलना शुरू हो गया है और जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। खलनायक, कर्मा, सौदागर और परदेश जैसी शानदार फिल्में बनाने वाले सुभाष घई ने कह दिया है कि गदर 2 की सफलता के बाद मुझे कई लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो चुके हैं कि आप लोग खलनायक 2 क्यों नहीं बनाते। उन्होंने ये भी बताया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और आप जल्द ही अच्छी खबर सुनने वाले हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया है कि इसमें संजय दत्त हीरो होंगे और उनके साथ एक नया एक्टर भी इस बार शामिल होने वाला है। खलनायक 2 के 30 साल पूरे होने को लेकर बॉलीवुड में अलग ही एक्साइटमेंट इस टाइम चल रही है और सुभाष घई उसे अपने कमबैक के मौके की तरह भी देखते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सुभाष घई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि युवा पीढ़ी आज भी बल्लू से जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम डबल एक्साइटमेंट के साथ खलनायक 2 बनाने के लिए आगे ना बढ़े। जून में संजय दत्त ने भी खलनायक को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने उस टाइम को याद करते हुए सभी के सभी फैंस को थैंक यू तक कहा था। अब इस सीक्वल में माधुरी दीक्षित इस टाइम होंगी या नहीं होंगी, फिलहाल इस पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है या फिर कहे कि सुभाष घई ने इस पर कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन फैंस के लिए यही जानना अभी के लिए फिलहाल काफी है कि खलनायक 2 फाइनली बनने जा रही है। इसी के साथ साथ आप मुझे अब जरूर बताना कि खलनायक 2 में संजय दत्त के साथ आप किस नए एक्टर को देखना चाहते हो और क्यों, और खलनायक के अलावा और कौन सी पुरानी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है और आप चाहते हो उसका सीक्वल अब जरूर बने आने वाले सालों में। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये अपडेट और जितने भी यहाँ पर संजय दत्त के फैंस है ना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, सभी के सभी फैंस के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।